आज हम बनाएंगे ब्रेड के साथ रेसिपी। तो ब्रेड के साथ हम बनाएंगे गार्लिक चीज टोस्ट। तो इसके लिए मैंने 3 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और ये 1 टेबलस्पून बटर है, उसमें 4-5 लहसुन की कलियां ग्रेट करके डालेंगे और बटर और गार्लिक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम ये गार्लिक और बटर ब्रेड को लगाएंगे, ऐसे स्प्रेड करना है। इस तरह से हम तीनों स्लाइस को ब्रेड बटर लगा लेंगे। ब्रेड स्लाइस को अच्छे से बटर और गार्लिक लगा दिया है, अब हम इस पे चीज ग्रेट करके डालेंगे। तो ये चीज क्यूब है, इसको मैं ग्रेट करके स्लाइस पे डाल दूंगी। तो ये चीज मैंने ग्रेट करके स्लाइसों पर डाल दिया है, अब हम इस पे चिली फ्लेक्स डालेंगे। घर में मिर्ची को, लाल मिर्च को मिक्सर में पीसकर आप चिली फ्लेक्स बना सकते हैं, मैंने ऐसे ही बनाया है। और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, वो भी मैंने मिक्सी में पीसकर ही पाउडर बनाया है। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ और बटर में ऑलरेडी नमक रहता है। थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स है, इटालियन सीजनिंग है, तो वो भी आप इस पे डाल सकते हैं। मैंने ग्रिल पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, आप ऐसा ग्रिल पैन हो तो बनाइए, अगर नहीं है तो नॉनस्टिक तवे पर भी आप उसको रोस्ट कर सकते हैं। पहले हम पैन को बटर लगा लेंगे। और अब हम इस पर अपना ब्रेड स्लाइस रख देंगे और इसको टोस्ट होने देंगे। आप इस तरह से नॉनस्टिक तवा पर भी ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं। ब्रेड स्लाइस अच्छे से टोस्ट हो गए हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं, अब हम इसको प्लेट करते हैं। चीज टोस्ट बनके तैयार है, आपको चीज पसंद हो तो आप ढेर सारा चीज इस पर डाल सकते हैं। मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू।